ये बाथ टब सांपों से भरा हुआ है, कैसे हो दोस्तों? अगर तुम में से कोई भी इस टब में बैठेगा, मैं तुम्हारी मॉम को दूंगा $10,000। सॉरी मॉम। ये मेरी बात पूरी सुने बिना ही चला गया। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जो भी सांपों से भरे इस टब में बैठेगा, मैं उसकी मॉम को दूंगा 10,000। क्या तुम ये करना चाहते हो? यार तुम्हारी मॉम बहुत खुश होगी। और ये है ब्रायन, हमारे प्रोफेशनल स्नेक हैंडलर। आगे बढ़िए और रख दीजिए पहला सांप। रख देता हूँ। ये काफी प्रोफेशनल है ना। ये सांप मुझे थोड़ा बहुत डरा रहा है, ऐसा होना नॉर्मल तो है ना। क्या तुम तैयार हो अगले और 20 सांपों के? 20 सांप है? हाँ 20। और ये सांप देखो कैसे कोशिश कर रहा है 10,000 चुराने की। जरा देखो इसे। कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारी मॉम जीत गई है 10,000। क्या बात है। इस बॉक्स में है $15,000 और साथ ही कुछ बड़े बड़े कॉकरोचेस भी। कार्ल, तुम जितने पैसे उठाओगे वो तुम्हारे हो जाएंगे। बिल्कुल ही नहीं यार। जेफ, क्या तुम जरा इधर आ सकते हो? ये है जेफ, हमारा साउंड मैन। गाइस। जेफ, क्या मैं तुम्हारा माइक ले लूं? मुझे लगता है तुम्हें पता है कि क्या करना है। ओह गॉश। तो जेफ, तुम जितने भी पैसे निकालोगे इस बॉक्स में से अगले 60 सेकंड में, वो तुम्हारे होंगे। ओके ठीक है, ये है $500। मैं टाइमर शुरू करना भूल गया था, तो मैं गिनती करूंगा अपने मन में। बचे 50 सेकंड। संभल कर। यो, इनका हाथ मेरे हाथ को लगा, वो स्वेटी था। वैसे बचे हैं सिर्फ 35 सेकंड। ओह माय गॉड। मैं काउंटडाउन शुरू करने वाला हूँ। 10, 9, 8। मैं बोर हो रहा हूँ। 5, 3, 2, 2। मैं आपको दूंगा एक्स्ट्रा सेकंड अगर आपने कॉकरोच को छुआ तो। और 1। आपने जीते हैं $9,340। कंग्रेचुलेशंस। ये है 1 pound का डंबल, चलो इसे उठाओ। और क्रिस, हर बार जब तुम इसे ऐसे उठाओगे मैं तुम्हें दूंगा $1। सच में? नहीं। लेकिन हर बार जब नोआ इधर आओ कल करेगा तो उसे मिलेगा $1। $1 मैं उड़ाता रहूंगा। $1, $1। क्या थोड़ा जल्दी जल्दी कर सकते हो? चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जितना चाहो उतना कर सकते हो और बना सकते हो मन चाहे पैसे, बस शर्त है ऐसे ही लगातार करते रहो। मैं यहाँ 2-3 दिन तक रहूंगा, मुझे परवाह नहीं है। ओ सच में? चलो देखते हैं। मैं रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, बस पूरा टाइम यही करते रहूंगा। ट्रिक, अगर तुम इस टेरेंटुला को अपने ऊपर रेंगने दो 30 सेकंड के लिए, तो मैं तुम्हारी मॉम को दूंगा $10,000। तुम्हारी मॉम भी यहाँ है चीयर करने के लिए। हाँ तारिक, तुम कर सकते हो। मॉम थैंक यू। कुछ कहना चाहोगे? हाँ कहूंगा ना, इस मकड़ी को मुझ पर से हटाओ। तारिक, अगर इसे तुम्हें काटा तो हम तुम्हारे पैसे डबल कर देंगे। नहीं। हाँ इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये नहीं काटेगा। ठीक है, टाइम स्टार्ट। आराम से। बिल्कुल शांत रहना, ये कुछ नहीं करेगा। शांत रहो। ओ, ये डर को काटने वाला है। टेरिक, तुम्हारे 5 seconds बीत गए। ओके सब ठीक है। बस 5 seconds और, बस 5 और seconds और ये पूरे होने वाले हैं 30 seconds। बस हो गया, सच में तुम करने वाले हो, बस होने वाला है, बस कुछ देर और। ऑलराइट। ये तारिक। ये तारिक। तुमने कर दिखाया। मैंने कर दिखाया। थैंक यू मिस्टर बीस, तारिक को ये गेम खेलने देने के लिए। एक काम करो, तुम यहाँ खड़े हो जाओ। थैंक यू। ठीक है, मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? क्यों? हेलो कॉल, मेरे साथ यहाँ एक रैंडम कंटेस्टेंट है और अगर तुम गेस कर पाए कोड रूम में रखे उस सेफ का, उसे मिलेगा जो भी सेफ में है। ओके तो चलो शुरू हो जाओ, जमीन पर से उठ जाओ। कितने आलसी हो तुम। चैनल, तुम ये कर सकते हो ना? हाँ मुझे मिल गया। अरे ये ओ, और कॉल मैं बताना भूल गया कि हर 10 seconds में हम भेजेंगे एक चूहा रूम के अंदर। रुको यार तुम। चल ये एक और आया। हो गए हैं 5 seconds और मुझे जल्दी करना है। क्या चीज रखा है सेफ के पास? हाँ वहाँ पर चीज है सेफ के पास। ओ माय गॉड। मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ, क्या तुम्हें वो बड़ा सा चूहा दिखाई दे रहा है? तो हमने कोड उसके नीचे दिया है। नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल तुम सही हो, हमने झूठ बोला। लेकिन उस कोड का तुम्हारे बर्थडे से लेना देना है। अरे ये क्या था? चूहों ने मुझे घेरा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है कोड क्या होगा? कार्ल मुझे मदद करना। तुमने कहा मेरा बर्थडे है। हाँ तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो? कार्ल चलो, मैं चाहती हूँ तुम जल्दी करो, चलो। वो गलत था। अब जरा तुम डालो दूसरा दिन अपने बर्थडे के बाद, शायद वो काम कर जाए। ओ मेरा मतलब तुम्हारे बर्थडे से पहले वाला दिन। ओ माय गॉड, वो हो गया। मैरी, देखा अंदर क्या है? क्या ये मेरा है? आज सुबह मैं चैंडलर के घर में घुसा और चुरा लिया उसका टेडी बेयर। मेरा है, वो फ्लैश है। चैंडलर के स्टफ टॉय के अलावा वहाँ है $20,000 उस सेफ में। और कंग्रेचुलेशंस, तुमने वो भी जीत लिया। थैंक यू सो मच कॉल। बेशक हम लौट आए हैं स्नेक सेट पर, लेकिन सांप से भरे टब की बजाय हमारा टब भरा है पिकल से। अरे यार ये कितना बदबूदार है। रुक जाओ रुक जाओ। यहाँ पर क्यों है? अगर तुम्हें याद हो इस वीडियो में चैनल ने नहीं खाया था पिकल $5,000 के लिए भी। उसे घिन आती है पिकल से। चैनल यहाँ जरा, ये पिकल्स तुम पर कूदेंगे नहीं। तुम्हें किस चीज से ज्यादा डर लगता है, पिकल्स या सांपों से? पिकल्स।
इतनी वाहियत बात मैंने आज तक नहीं सुनी। अगर तुम इस टब में बैठे तो मैं तुम्हारी बहन को ऑफर करूंगा 10,000, लेकिन अगर तुमने ये अभी किया तो मैं तुम्हारी बहन को दूंगा $20,000, लेकिन तुम्हें इस टब में बैठना पड़ेगा। ठीक है, बस ये सोचो कि बर्गर्स बिना पिकल और बिना ओनियन के हैं। या सिर्फ सोचो $20,000। तुम शायद 20,000 खो दो, फिर भी इतनी शांत कैसे हो? मुझे इसकी आदत हो गई है। ठीक है, 20 सेकंड चैंडलर, तुम ये कर सकते हो। अच्छी चीजों के बारे में सोचो। तुम कर सकते हो। चलो काउंटिंग शुरू। थोड़ा और अच्छा डालो से। हाँ, अच्छे से। ठीक है, वक्त खत्म हुआ। खत्म हो गया वक्त। कैसी, तुम्हारा भाई भाग गया। पता था अगर मैं 20,000 नहीं देता तो जीरो चांस था कि वो ये करता। मुझे भी इसकी घिन आती है। फाइनली उसने कर दिया और तुम्हारे लिए जीत लिए हैं $20,000। आई लव यू नोवा। ओह गॉश, इसने कितने कर लिए? $20,000। 20,000 कर्ल्स। मैं मदद कर सकता हूँ तुम्हारी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। मेरे पास एक आइडिया है, अभी आता हूँ। ओके, ठीक है, हम उसे बाद में देख लेंगे। नोलन, क्या तुम्हें याद है जब कार्ल ने तुम्हें हराया था कोकोनट बोलिंग में और तुमसे छीन लिया था एक आइलैंड? ओह या। उस आइलैंड की कीमत थी $800,000। कार्ल, क्या तुम खोल सकते हो? इस माइक्रोवेव में है $8,000, 1% उस आइलैंड का। और अगर तुम हरा सकते हो कार्ल को पुशअप बैटल में, मैं तुम्हें उस आइलैंड का 1% दूंगा। लेकिन ये माइक्रोवेव में क्यों है? तुम क्यों नहीं हो माइक्रोवेव में? तो दोस्तों पोजीशन लो, ऑन माय काउंट 1, शुरू हो जाओ। नोलन, इससे पहले कि तुम सातवां करो, भूलना मत इसने तुमसे आइलैंड छीना। तुम जीत ही नहीं सकते, मैं बदला लूंगा बॉलिंग का। और हाँ कार्ल, अगर तुम जीते मैं तुम्हें दूंगा 8। ओके, नहीं 7। ठीक है, हम हैं डबल डिजिट में। नहीं, हे, नो घोड़ा, नो घोड़ा। अरे नहीं, घोड़ा नहीं, मैं तो सिर्फ खड़ा हो रहा हूँ। मेरे ऊपर 16 17 हो गया। मैंने पहले ही कहा था तुम हार जाओगे। ओके, मुझे जाने दो कार्ल के ऊपर से। सॉरी तुमने पैसे नहीं जीते, ये लो इसे ले जाओ अपने घर, माइक्रोवेव के साथ एंजॉय करो। ये है हमारा अगला कंटेस्टेंट रैंडी। बेसिकली आज सुबह मैंने एक ट्वीट किया था, मैंने 1,000 लोगों को इस ऑडिटोरियम में बुलाया है, वो अभी अंदर ही बैठे हुए हैं, तो अभी हजारों लोग हैं वहाँ। ठीक है, ठीक है। hey, रैंडी, अगर तुम ये स्क्रिप्ट उन सबके सामने पढ़ोगे तो मैं तुम्हें दूंगा $10,000 का कैश। ठीक है, मैं कर लूंगा। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मैं सच में आपके सिर्फ 3 मिनट ही लेना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि YouTube सबसे अच्छी चीज क्यों है। इसमें ड्रीम, एक क्यूटी पाई, जैक, सेप्टिस, सेप्टाइस और भी है, मैं बोलते रहूंगा। उसे प्यूडी पाई कहते हैं। बताऊंगा। यकीन नहीं हो रहा, ये सच में ऐसा कर रहा है। ये स्क्रिप्ट जो हमने लिखी है ये स्टूपिड है। और क्या मुझे मिलेगा? एक एक और बार आने के लिए शुक्रिया और खाना मत भूलना बीस्ट बर्गर। यू वेलकम। ठीक है, तो कैसा लगा ये? मजा आया, लेकिन 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 उतना भी मजा नहीं आया जितना मैं सोच रहा था कि लेकिन। और इससे पहले कि मैं तुम्हें दूं ये $10,000, जरा इधर आओ, मैं चाहता हूँ तुम मिलो अपनी ऑडियंस से। तो तुम जिनसे बात कर रहे थे वो थे 1,000 पुतले और क्रिस और कार्ल। हाय हाय। और ये रहा तुम्हारा 10,000 कैश। मैं नहीं जानता कि मैं इन पैसों का क्या करूंगा। मैं अपनी मॉम को दे दूंगा या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड को दे दूंगा। मैंने उससे कहा था कि मैं उसे दे दूंगा, लेकिन मैं पता नहीं मैं इतना हिल क्यों रहा। अब देखते हैं कि क्रिस गया कहां इतने सारे पैसे लेकर जिम से। ठीक है, हम जा रहे हैं बेस्ट बाय में। मैं नोवा के लिए खरीदूंगा थेरागन, जिसकी कीमत है $400, जो काफी है, पर मुझे लगता है वो उसकी और पैसे बनाने में मदद करेगा जब उसका हाथ थक जाएगा। तुम समझ रहे हो ना? अरे एक मिनट, ये तो $600 का है। मुझे नहीं लगता हमें $600 वाला चाहिए। मैं आ गया। अब देखो ये आदमी इंस्टेंटली $1,000 कैसे बनाता है। देखो, इससे मैं और पैसे कमाने वाला हूँ। अब यहाँ रहकर इसे मसाज देनी। फ्रैंक, तुम्हें पता है ना तुम कैमरा मैन हो। हाँ। पर अब तुम मसाज मैन हो। अब हम करेंगे मसाज तुम्हारे हाथों को ताकि तुम कर सको और गर्ल्स और जीतो खूब पैसे। ये अजीब है। और अगला, इनमें से एक पेंटिंग की कीमत है $10,000। देखते हैं आप गेस कर सकते हैं या नहीं। आपको मिलते हैं 3 सेकंड्स। अगर आपने ये गेस की है तो आप गलत हैं। ये वाली नहीं है, ये पेंटिंग बनाई है कार्ल ने। यो, ये तो जबरदस्त है। और इसे बनाया है क्रिस ने, इसको बनाया है चैंडलर ने। और ये 10,000 वाली पेंटिंग हमने खरीदी है प्रोफेशनल पेंटर से। एशली, यहाँ है 4 पेंटिंग्स। ये सुनने में अजीब है, लेकिन इसमें से एक पेंटिंग की कीमत है $10,000 और बाकी की कीमत है 0। अगर तुमने गेस किया कि कौन सी है 10,000 वाली पेंटिंग, वो तुम्हारी हो जाएगी। तो आगे बढ़ो, एनालाइज करो। मैं जानता हूँ ये बहुत आसान है। ये वो है जिसमें सबसे ज्यादा सच्चाई है। मेरे हिसाब से ये वाली है। ये वाली?
हाँ। तुम्हें यकीन है और तो नहीं सोचना चाहती? मैं अपने दिल की सुनती हूँ, मेरे हिसाब से यही है। तो तुम्हें लगता है कि ये है वो $10,000 वाली पेंटिंग? हाँ, हाँ, मुझे लगता है। मुझे बताते हुए दुख हो रहा है लेकिन ये एक्चुअली क्रिस ने बनाई है। मैं हूँ ही कमाल का है ना? तुमने अच्छा काम किया है। थैंक यू। तुम्हें तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होना चाहिए। टेक्निकली एशली तुमने हारे हैं $10,000। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ एक और चांस, लास्ट चांस। अगर तुमने सही बताया वो तुम्हारी हो जाएगी। ठीक है, मुझे लगता है वो वाली पेंटिंग है। वो वाला? क्या ये वाली? क्या ये वाली? अब 50-50 है। ठीक है, हम तुम्हें एक और चांस देते हैं। क्या लगता है कौन सी वाली इस आदमी ने नहीं बनाई? चलो इस वाली के साथ जाते हैं। तो तुम्हें लगता है कि ये है 10,000 वाली पेंटिंग? मुझे लगता है यही है 10,000 वाली पेंटिंग। इसे बनाया गया है चैंडलर के द्वारा। वो 10,000 वाली पेंटिंग ये है। सच कहूँ तो तुम्हें तो अच्छा लग रहा होगा, इतनी गंदी पेंटिंग का तुम क्या करती? अच्छा हुआ ना मैंने सही नहीं चुना। मुझे बुरा लगता है जब लोग हार जाते हैं। क्या तुम फिस्ट बम्प दो? ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये है फॉय। क्या चल रहा है? मेरे पास ये रस्सी है और मैं चाहता हूँ तुम खेलो टग ऑफ वॉर। फॉय, वहाँ उन तीन जेंटलमैन में से तुम किसके साथ खेलना चाहोगे टग ऑफ वॉर $10,000 के लिए? बताइए। मुझे लगता है कार्ल। इसे क्रिस बुलाते हैं। ओके, तो 10,000 के लिए तुम खेलना चाहोगे कार्ल के साथ? 10,000 के लिए एब्सोल्युटली। ठीक है, 3, 2, 1 गो। तुम्हें मिलते हैं $10,000। लेकिन इससे पहले कि तुम सेलिब्रेट करो, क्या तुम दाव पर लगाना चाहोगे $10,000 और बनाओगे डबल या कुछ नहीं? क्योंकि अगर तुम हारे तो सब कुछ खो दोगे। डबल या कुछ नहीं? डबल या कुछ नहीं? ठीक है, तो चुनो, दूसरा किसे चुनना चाहोगे तुम? चैंडलर को चुनता हूँ क्योंकि उसने सॉक्स पहने हैं। 3, 2, 1 गो। तुम कर सकते हो, कम ऑन। Congratulations! अब तुम्हारे पास है $20,000 का कैश और तुम जानते हो मैं तुमसे क्या पूछने वाला हूँ। तीनों के साथ सच कहूँ तो लग रहा है मेरी छाती फटने वाली है। अब नहीं होगा। तो 20,000 पर ही बस करोगे? हाँ, मैं 20,000 ले रहा हूँ। तो इसका मतलब तुम मुझसे डरते हो? इसे लगता है इसे डर लगता है क्रिस से। प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर बीस्ट, मुझे मजा आया, आपको भी आएगा। नोआ दोस्त, हम लौट आए। तुम्हारी कर्लिंग हो गई है स्लो। सच कहूँ तो अब मुझे मेरा हाथ फील नहीं हो रहा। ओ, सच में? डेव कितने हुए? $32,000। $32,000। पहले मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था लेकिन अब लग रहा है नहीं बोलना चाहिए था। ये गुलाबी डंबल गुलाबो बनकर कहीं इसकी जान। सही कह रहा हूँ। इस काली थैली में है $20,000। क्या तुम्हें दाव लगाना है इस $30,000 का और ट्राई और कल करना है इस 20 पाउंड के डंबल को? और अगर तुमने किया तो मैं तुम्हें दूंगा एक्स्ट्रा $20,000। हाँ, मैं रिस्क लूंगा। तो लगाओ दाव और खुल कर कमाओ। बजाओ इंटेंस म्यूजिक। 20,000 है दाव पर। क्या ये कर सकता है? पैसे तैयार हैं? ओ, ये कितना स्लो जा रहा है। तुम ये कर सकते हो? कमन कमन, चलो चलो, बस थोड़ा सा और। चलो चलो, कर सकते हो। मुझे लग रहा है कल जैसा। मुझे नहीं पता कि कर्ल कैसे करते हैं और वो क्या होता है। तुम कर लोगे? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कर लिया है। पैसे नहीं हो रहा। कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारे 32,000 के ऊपर तुमने जीते हैं $20,000। नवा, मुझे बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे पता नहीं कितने पैसे है मेरे पास। ये है रजीना और तुम्हें पता है तुम इस रूम में क्यों हो? नहीं जानता हूँ। सॉरी तुम्हें इस रूम में लाने के लिए। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम दोनों नॉर्मल रहोगे 5 सेकंड्स के लिए? मैं तो हिल भी नहीं रहा हूँ। अगर बुरा ना मानो तो ये आंखों पे पट्टी बांधोगे? अगर तुम्हें याद हो इस रूम में एक बलून है, तो अब मैं तुम्हारे हाथ में ये पिन रख रहा हूँ। ये दोनों इस बलून को रैंडमली कहीं भी रूम में रख देंगे और इस बलून के अंदर है ब्रांड न्यू कार की कीज। तो अगर तुमने पॉप किया वो बलून बिना उस ब्लाइंड फोल्ड को निकाले अगले 60 सेकंड्स में, तो वो गाड़ी तुम्हारी हो जाएगी। मैं टाइमर शुरू करता हूँ। चलो स्टार्ट करो। वो दीवार है। तुमने कर दिखाया, बिल्कुल सही। क्या अच्छा, क्या मैं ये ले सकता हूँ? मुबारक हो, तुमने कर दिखाया। अब अगर तुम यहाँ देखोगी तो तुम्हें दिखेगी चाबी। उठा लो उसे। अब आओ, कार पीछे खड़ी हुई है, आ जाओ। तो ये रही ब्रांड न्यू कार। वाओ, माय गॉड, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुमने बलून फोड़ के जीत लिया।